प्यारा और खूबसूरत सा डिजाइन पैटर्न है। इसे जेंट्स स्वेटर में डालें या लेडीज स्वेटर में डालें या बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 रो की डिजाइन है और ये 2 के मल्टीपल डिजाइन पैटर्न पड़ेगा और 2 जो है साइड का एड स्टिच लेने हैं। तो देखिए, हमने टोटल लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन पैटर्न जो है ना राइट साइड से स्टार्ट होगा। बॉर्डर बनाने के बाद आप रॉन्ग साइड से फंदे वगैरह बढ़ा सकते हैं। और देखिए, हमने ये 2 सलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी। तो चलिए आपको ये डिजाइन पैटर्न बताते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए, हमारा फर्स्ट फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे, ठीक ना। अब हमारे ये हमारा फर्स्ट रो है, इसे ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 1 राइट साइड है, इसे हम सीधा बुनते हुए इस तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को भी हम इस तरह सीधा बुनते हुए उल्टा बुनते हुए, ये हमारा सेकंड रो है रॉन्ग साइड, इसे उल्टा बुनते हुए हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, हम थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ठीक ना। अब हमारा जो देखिए, ये 1, 2 फंदा है, तो हमारा जो ये वाला देखिए, यहाँ से 1, 2, यहाँ से हम ये जो हमारा ये फंदा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सेकेंड रो रॉन्ग साइड है, तो इसे हम ऐसे देखिए सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, तो देखिए इसे हम सेकेंड रो रॉन्ग साइड को इस तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये साइड का एड स्टिच है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, ठीक ना। तो हमारा ये सेकेंड रो देखिए सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ गया है थर्ड रो, इसे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, ठीक ना। अब हमारे 1, 2 फंदे हैं हमारे, तो देखिए यहाँ जो हमारा ये तीसरा फंदा है ना, यहाँ आपको यहाँ पर ये जो देखिए, ये हमारा जो यहाँ है इसके नीचे, यहाँ से जो ये दिख रहा है ना, इसके यहाँ से हमें 1 लूप लेना है, ठीक ना। देखिए ऐसे 1 लूप ऐसे लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे 2 का 1 करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए ध्यान से, जो हमारा ये दिख रहा है यहाँ से हम 1 लूप लेंगे नीचे से ऐसे, ठीक ना। इसके बाद ये 2 का 1 करेंगे ऐसे। ये जो हमारा तीसरा फंदा उल्टा वाला दिख रहा है, तो इसके बगल में जो ये होल दिख रहा है ना, यहाँ से हमें 1 लूप लेना है, ठीक ना। यहाँ से हम ऐसे 1 लूप लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। देखिए डिजाइन पैटर्न इसी तरह बनाना है, बहुत ही इजी सा पैटर्न है। यहाँ साइड से 1 लूप लेंगे ऐसे, ठीक ना, 2 का 1 करेंगे। देखिए 1, 2, यहाँ से हम 1 लूप ऐसे लेंगे
और देखिए ये 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ से हम 1 लूप लेंगे ऐसे, और ये 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ से हम 1 लूप लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे ऐसे, ठीक ना। और ये साइड का एड स्टिच है तो इसे सीधा बुनेंगे। तो हमारा देखिए 3rd रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए रॉन्ग साइड चलते हैं, रॉन्ग साइड 2nd रो है, ठीक ना। तो अब हमारा ये 1st फंदा, इसे तो हम स्लिप करेंगे। आप चाहें तो ये इसे आप बुन सकते हैं, ऑप्शनली है। तो और उनके धागे को हम फ्रंट ऐसे बैक साइड ले जाएंगे, और 1st फंदा जो हमारा ये है इसे हम ऐसे सीधा बुनेंगे, ठीक ना। अब इस लूप को और इस फंदे को एक साथ बुनाई करना है, तो यहाँ से हम देखिए 1 लूप लेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेंगे ऐसे 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर अगेन देखिए यहाँ बगल से हम ऐसे लूप लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे ऐसे। ध्यान से देखिए, यहाँ से हम 1 लूप लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। यहाँ से हम लूप लेंगे बीच से, 2 फंदे इधर रहने चाहिए, फिर हम ऐसे 2 का 1 कर देंगे लूप लेने के बाद। देखिए यहाँ से बीच से हम 1 लूप लेंगे ऐसे और ये 2 का 1 करेंगे, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ से 2 फंदे हमारे हैं ना, यहाँ से हम 1 लूप लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे, ठीक। अब हमारा ये 1 फंदा बचा है ना, ये देखिए यहाँ पर अभी हमने 1 फंदा सिंगल बुना हुआ था, तो यहाँ पर ये सिंगल फंदा बुनना है, ठीक ना। ये रॉन्ग साइड है तो इसे उल्टा बुनेंगे साइड के एड स्टिच को। तो हमारा देखिए ये 4 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब इसी 4 रो को देखिए, ये डिजाइन पैटर्न कितना प्यारा सा आने लगा है लुक इसका। अब इसी 4 रो को आपको रिपीट करते जाना है, ठीक ना। ये रिपीट पैटर्न रो 1 है। देखिए हमने आपको बताया था कि 1st रो आपको इस तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है, तो हमारा ये रिपीट पैटर्न रो 1 है। इस तरह आप जो है 1 से लेके 4 रो तक रिपीट करते जाइएगा, तो बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनकर आएगा, और बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। आप अगर बिगनर हैं तो भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए कितना प्यारा ये इसका डिजाइन का पैटर्न का लुक बहुत ही प्यारा आता है। देखिए ये इसका लुक देखिए बहुत ही, अभी केवल हमने 4 रो बुना है और इसका देखिए प्यारा सा पैटर्न बनकर आया है। इसे आप कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी ये पूरी डिजाइन देखिए इस तरह दिखेगी। इसे आप बनाइए, आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।